प्रश्न 10। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन निकालें। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। आर हो गया शंकु की त्रिज्या और एच हो गया शंकु की ऊंचाई। तो लिखेंगे 1/3 गुना पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुना। तो पाई का मान कितना लिखना है? 22/7। आर यानी त्रिज्या, ठीक है। शंकु की त्रिज्या को आर से लिखते हैं, तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर कह रहा है कि शंकु के आधार की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, तो आर की जगह पे 3 लिखेंगे, तो आर का वर्ग है तो 3 का वर्ग कर देंगे, गुना ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी एच, शंकु की ऊंचाई को एच से लिखते हैं तो शंकु की ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे गुना 7 कर देंगे, तो आर की जगह पे 3, एच की जगह पे 7, और पाई की जगह पे क्या लिखेंगे? 22/7। अब इसको हल करेंगे, 7 से 7 कट गया तो बच गया 1/3 गुना 22 गुना 3 का वर्ग है तो 3 गुना 3 लिखेंगे। देखिए 3 का वर्ग है तो 3 गुना 3 लिख लेंगे, 3 से 3 कट गया, 22 तिया हो गया 66, ठीक है। 22 गुना 3 कितना हो जाएगा? 66। तो 66 घन सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आयतन, क्योंकि सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है त्रिज्या और ऊंचाई, तो आयतन आएगा घन सेंटीमीटर में। तो शंकु का आयतन हो गया 66 घन सेंटीमीटर। प्रश्न 11। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसका संपूर्ण तल ज्ञात करें। तो लिखेंगे हम यहाँ, यहाँ आर बराबर, आर कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर, कॉमा एच, एच बराबर है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो शंकु की त्रिज्या को आर से लिखते हैं, शंकु की ऊंचाई को एच से लिखते हैं, तो त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यानी आर और एच मालूम है। क्या निकालना है हमको? संपूर्ण तल यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो संपूर्ण तल, तो इसका मतलब हो गया कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है पाई आर गुना एल प्लस आर। अब देखिए एल निकालना होगा पहले हमको, ठीक है, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो एल निकालना होगा, यानी तिरछी ऊंचाई ज्ञात करना होगा। ऊंचाई दिया हुआ है, त्रिज्या भी दिया हुआ है, बस तिरछी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है यहाँ पे। तो शंकु का तिरछी ऊंचाई भी होता है यानी तिर्यक ऊंचाई, तो उसका सूत्र होता है एल बराबर आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। देखिए एल यानी तिरछी ऊंचाई को एल से लिखते हैं, तो शंकु का तिरछी ऊंचाई को क्या से लिखते हैं? एल से। तो तिरछी ऊंचाई बराबर हो गया त्रिज्या का वर्ग जोड़ ऊंचाई का वर्ग का अंडर रूट, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का यहाँ पे सूत्र लगता है, तो तिरछी ऊंचाई इसको हम कर्ण कह सकते हैं। आर हो गया आधार, एच हो गया ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई या लंब। तो कर्ण बराबर होता है आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग का अंडर रूट, ठीक है, ये सूत्र होता है, इसको याद कर लेना है, एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। अब देखिए आर की जगह पे क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, तो 3 का वर्ग हो गया। एच की जगह पे 4 लिखेंगे, तो 4 का वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का वर्ग हो गया 16,
सोलह नौ हो गया 25, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे 16 9 25 का अंडर रूट, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी एल बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। देखिए एल ज्ञात कर रहे थे तो एल कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब निकालना है हमको संपूर्ण तल, तो लिखेंगे अतः शंकु का संपूर्ण तल कहें या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहें, एक ही बात है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र होता है पाई आर गुना एल प्लस आर। देखिए ये सूत्र होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर गुना एल प्लस आर, ठीक है। या शंकु का संपूर्ण तल का सूत्र क्या होता है पाई आर गुना एल प्लस आर। तो संपूर्ण तल कहें या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहें, एक ही बात है। तो इस सूत्र को याद कर लेना है पाई आर गुना एल प्लस आर। पाई का मान होता है, तो पाई का मान होता है 22/7, लेकिन यहाँ पे पाई को पाई ही रहने देंगे, ठीक है। क्यों रहने देंगे, क्योंकि त्रिज्या कितना है 3 है। देखिए त्रिज्या 3 है, आर की जगह पे 3 लिखेंगे। एल एल कितना निकाले थे हम 5 निकाले थे, आर कितना है 3 है, तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो आर की जगह पे 3 लिखेंगे। एल यानी तिरछी ऊंचाई कितना निकाले थे 5। तो देखिए पाई गुना 3 गुना 5 और 3 को जोड़ेंगे 8 हो गया, तो 5 3 8। अब देखिए 5 3 8 हो गया जोड़ने पे, ठीक है, क्योंकि कोष्टक में था तो इसको पहले हल करेंगे। तो 8 या 24 हो गया 24 पाई। अब देखिए पाई को पाई ही क्यों रहने दिए, क्योंकि कट नहीं रहा है यहाँ से। अगर 22/7 लिखेंगे हम पाई की जगह पे, पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 लिखेंगे तो यहाँ पे कटेगा नहीं 7 से कोई, इसलिए पाई को पाई ही रहने देंगे। तो आ गया 24 पाई। देखिए 8 या 24 और पाई 24 पाई, सेंटीमीटर में सब कुछ दिया हुआ है तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ये माफ कीजिए वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग में होता है, आयतन घन में होता है, ठीक है। तो 24 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे।